आज सुबह सुबह घर से निकल आया हूँ, इसलिए हम एक वीडियो बनाना था और वीडियो के पर्पस यही था। हमारा आसाम में एक गांव, ऐसा भी एक गांव है, और गांव बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही क्लीन एक गांव है। उस गांव के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देना था और आप लोगों को कुछ देखना था, इसलिए सुबह सुबह निकल आया हूँ एक वीडियो बनाने के लिए। वेदर भी सुबह सुबह बहुत ही ठीक ठाक था, लेकिन बीच रास्ते में आने के बाद धमाकेदार बारिश हो रहा है, इसलिए हमारा वीडियो ऐसा लगता है शायद पूरा नहीं हो पाएगा। फिर भी उस गांव के बारे में आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करूंगा। ठीक है, एक बात बोलना चाहता हूँ फिर भी, हम उधर जाने से पहले जो हमारा नेचुरल जो ब्यूटी होता है वो एक बार आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा लगता है। गाइस, हम जा रहे हैं अभी हाहिम। हाहिम के अंदर जितना भी लोग है, सारे लोग ट्राइबल लोग होते हैं, गारो खासिया ये सब लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों तो हिंदी, असमीस, बंगाली ये सब भाषाएं तो नहीं आते। उन लोगों का जो भाषा है गारो खासिया वो तो हमें भी नहीं आता, इसलिए इधर आप लोग कभी भी आ जाओ तो सोच समझ कर बात करना। गाइस, हाहिम आने की बात आप लोगों को जितना भी गाँव मिलेगा, सारे गाँव के लोग जितना भी भाषाएं बोलता है वो सारे अपना भाषा में बोलता है और दूसरा कोई भी भाषा नहीं जानते है। इसलिए आप लोग गारो खासिया जानते हो तो आप लोग बहुत ही घूमने के लिए, देखने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और हमें हाहिम बाज़ार के लगभग आसपास हम भी आ गया हूँ, और हाहिम बाज़ार के आसपास देख रहा हूँ ये केले का बागान भी है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बड़ा केले का बागान है। और हम भी हाहिम बाज़ार में एंटर भी कर सका हूँ, और इसके इस बाज़ार पार होने के बाद जितना भी गांव मिलेगा बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत गांव मिलेगा। वो अभी अभी तो हमने हाहिम बाज़ार भी क्रॉस भी किया हुआ हूँ, और इस बाज़ार क्रॉस करने के बाद राइट साइड में जितना भी गांव मिलेगा, राइट में, लेफ्ट में, सारे गांव की एक बहुत ही अच्छा बात, वो बात आप लोगों को बताने वाला हूँ। सारे जितना भी गांव है, सारे घर के सामने एक एक डस्टबिन है, ये आप लोग देख लीजिए, जितना भी घर है सारे घर के सामने एक एक डस्टबिन, ये तो देख के मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ये मुझे लगता है आसाम का सभी लोगों को यही काम करना चाहिए। ये बात तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि सारे लोग घर के सामने जब डस्टबिन रखेगा कोई भी कचरा बीच रोड पे कभी नहीं फेंकेगा, इसलिए तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब देख के। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस गांव के बारे में एक बात तो बहुत ही अच्छा लगा, ये डस्टबिन का जो बात होता है ये तो बहुत ही खूबसूरत बात होता है। और आप लोग देख ही लीजिए, दोनों साइड में पहाड़ी पहाड़ है और केले का पेड़ है, सामने एक नदी भी है। इस नदी को हम लोग आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरह से दिखाने वाला हो, आप लोग देख लीजिए इन नदी को। तो हम एक पुल के ऊपर है और आप लोग देख रहे हैं एक नदी, यहाँ का जो शानदार जो व्यू है ना बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए। तो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग देख लीजिए इधर का जो माहौल है, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बीच में एक नदी है, दोनों साइड में पहाड़ है और फॉरेस्ट एरिया जैसा लग रहा है। मुझे तो ये सब देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं तो नेचुरल जो ब्यूटी ये तो हमेशा ही मुझे अच्छा लगता था, इसलिए ऐसा जगह के घूमने के लिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग देख लीजिए बहुत ही अच्छा लग, हम अभी दूसरे जगह पे जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। ये देख के ऐसा लगता है हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रुक जाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे तो उतना भी गाड़ियाँ भी नहीं चलता है, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पहाड़ का जो पहाड़, चारों दिशाओं में जितना भी पहाड़ है उसका जो व्यू है ये देख के तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बीच बीच में एक भी नदी भी आ जाता है, इसलिए तो और भी नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाते हैं। आप लोग देख लीजिए कितना भी पेड़ है, कितना भी पेड़ है,
लेकिन फिर भी इस पेड़ के बीच में एक रोड भी है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत एक रोड भी है। और घूमने के लिए तो ऐसा ही जगह चाहिए, हमें तो सिटी के अंदर नहीं जाना है, सिटी के अंदर इतना ट्रैफिक जाम। इसलिए तो मुझे लगता है आप लोग यही इस तरह का जितना भी जगह है आप लोग घूम लीजिए। असम के अंदर बहुत ही खूबसूरत जगह है।